सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज है चौथा दिन और चौथा दिन में हम जा रहे हैं सुबह सुबह नहा धो के अगरबत्ती और प्रसादी चढ़ाने, क्योंकि चौथा दिन में एक भी दिन अगरबत्ती भी नहीं जलाए थे और प्रसादी भी नहीं चढ़ाए थे। तो आज जा रहे हैं प्रसादी चढ़ाने। बस सुबह नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अब चलेंगे हम प्रसादी चढ़ाने। तो इस पिछले वीडियो में जैसे कि तीसरा दिन था और मूर्ति लगभग कंप्लीट हो चुका था, तो आज चल के देखते हैं कि आज क्या है, कैसा है, कि कहाँ रखा है, कि मंदिर में वो रखा गया है कि नहीं रखा गया है, कि कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब चलिए चलते हैं। जब हम अपने घर से निकल चुके हैं मंदिर की ओर जाने के लिए, तो मेरी मम्मी और मेरी चाची भी है जो कि मेरे साथ जा रही है अभी प्रसादी चढ़ाने। तो अभी जा रहे, अभी पहुँच गए हैं अपने मंदिर। वो देखिए वहाँ पे है मंदिर, और प्रसादी भी चढ़ाएंगे और अगरबत्ती भी जलाएंगे, क्योंकि आज चौथा दिन है और इससे पहले एक भी दिन हम ना ही अगरबत्ती जला पाए थे और ना ही प्रसाद भी चढ़ा पाए थे। तो आज थाली में प्रसाद देने जा रहे हैं हम और मेरी मम्मी और मेरी चाची तीनों जन। चलिए मिलते हैं हम अपने मंदिर में। गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर, चलते हैं हम अपने मंदिर के अंदर और मिलते हैं हम अगरबत्ती जलाने के बाद। सो गाइस, वो जो थाली दिख रहा है ना आपको, वो मैंने चढ़ाया है और अभी मूर्ति बन के रेडी हो चुका है और इसके बैकग्राउंड पर हम जाने लगे हैं घर, क्योंकि हमारा पूजा हो चुका है। पूरा पूजा तो आपको नहीं दिखा पाए, बट अब थोड़ा देर बाद आएंगे, नाश्ता वगैरह करके आएंगे हम अपने मंदिर। सो गाइस, अभी रात का टाइम है और रात के समय आरती होने की तैयारी हो रही है। तो अभी का आरती हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे, अपने देखिए वो मूर्ति आज पूरा जूम करके देख रहे हैं अपने कैमरे में। कैमरा तो बहुत ही ज़्यादा घटिया है, जूम होने के बाद ऐसे नॉर्मली में फोटो आता सही फोटो लेता है। चलते हैं अपने मंदिर के बाहर। तो गाइस, आ गए हैं अपने मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर का कुछ इस प्रकार से लुक है। मिलते हैं ऐसे ही कल के ब्लॉग में, जो कि कल का ब्लॉग आएगा पांचवां दिन का, ठीक है? तो इंतज़ार कीजिए पांचवां दिन का ब्लॉग।